टाइम है 7 बजे का। चलो अब चलते हैं बंगला साहब, वहाँ पे मत्था टेक के आएंगे, पंजाब की ब्यूटी दिखाते हैं जी आपको। क्या लगता है मम्मा, कैसे पहुँचेंगे ऑस्ट्रेलिया तक के अकेले? हेलो, कैसी है? बढ़िया। इंट्रो है माड़ा जहाँ मम्मा के नाम का। सो वी आर गोइंग टू दिल्ली, मम्मी को छोड़ने जा रहे हैं। मम्मी जा रही है ऑस्ट्रेलिया में। नहीं, मैं भी ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। मैं ट्रेन पे मम्मी को छोड़ के ना एयरपोर्ट पे वहीं से दूसरा प्लेन पकड़ के वापस आ रही हूँ। मम्मी जा रही फर्स्ट टाइम, वो डर रही है काफी। बात करवाऊंगा आपकी अभी थोड़ी देर में कि मम्मा को कैसा फील हो रहा है। चलो सुनेंगे मम्मी को भी। दिल्ली से मम्मी को जाना है ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न, वहाँ पे मेरी बहन है, उनसे मिलने जा रहे हैं मम्मा 2-3 महीने के लिए। दिल तो नहीं कर रहा मम्मा को छोड़ने का, बट कोई नहीं, बहन के लिए भी ज़रूरी है, उससे भी मिलना ज़रूरी है ना। अब दिल्ली जाके हम लोग तो घूमेंगे पूरा दिल्ली, और मम्मा को भी एयरपोर्ट छोड़ के आएंगे। मम्मा से बात करवाऊँगा आपकी कि मम्मा को कैसा फील हो रहा है। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं बिल्कुल। वैसे हम लोग व्हील चेयर करवाएंगे वहाँ पे जाके एयरपोर्ट पे, असिस्टेंस भी ले लेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए मम्मा को। लाइक मलेशिया में भी स्टे है, और पहले दिल्ली से मलेशिया जाना है तो वहाँ पे स्टे होगा, 3-4 घंटे का स्टे है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो वो जो पीरियड होगा ना मम्मा के लिए, क्योंकि पंजाबी आती है सिर्फ मम्मा को, लैंग्वेज भी कोई नहीं आती। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होगा, सारा एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। पंजाब की ब्यूटी दिखाते हैं जी आपको। देखो चल कोई नहीं, घबरा ना, कुछ नहीं हुंदा। हाँ। आराम नाल ओ व्हील चेयर कीती है ना, ओंदे नाल ओ करा देंगे चेक इन वगैरह। हाँ। टेंशन ना लई बिल्कुल भी। रैनम से बात करते हैं, उसको कैसा फील हो रहा है कि दिल्ली जा रही है? अभी तो उसको ये है कि दिल्ली जाना है, वहाँ पे जाके एंजॉय करना है, तो कोई नहीं, बट बाद में इसको फील होगा पक्का, क्योंकि ये अपनी दादी के साथ ही सोती थी। अब देखते हैं कैसे सरवाइव करती है अभी 2-3 महीने, और मम्मा भी कैसे करती है। तो ये सेजल से बात करते हैं। सेजल किद्दा इंजॉय कर रही है ऊपर, दादी जा रही है, किद्दा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। तेनू दुख नहीं हो रहा कि दादी जा रही है? दादी नाल दिल्ली तक ही जाना है, तो ऑस्ट्रेलिया थोड़ी जाएंगी? ऑस्ट्रेलिया भी जाना है। नहीं उते जान नहीं देना हले। की होया, क्यों हसदी वे? सेजल नु लेके हां कहंदी अच्छा फील हो रहा है। रैनम भी उठ चुकी है। रैनम आपका भी इंटरव्यू लिया जाए, कैसा लग रहा है दादी जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया 2-3 महीने के लिए? मैं तो ये सोची जा रहा हूँ दादी जा तो 3 महीने के लिए रहे हैं। मम्मा के फोन पे वो आ जा रही है न्यूज़, भाई वो लगेगा लॉकडाउन। लॉकडाउन लगेगा? चल रहा है फेक न्यूज होएगी। तू अलग ही पंगा डाल दिया कर कोई ना। पापा ट्रेन, मुझे लगता है अब 2-1 साल तक नहीं वहीं पे रहना जाए। नहीं नहीं आ जाएंगे 2-3 महीने में आ जाएंगे, कोई नहीं। अब बुआ को भी तो जरूरत है ना, है ना, और गुन्नू को और देवांश को भी तो जरूरत है। इधर देखना खड़ी हो थोड़ा। चल हम लोग तो दिल्ली में एंजॉय करेंगे। चाय पार्टी चल रही है जी, इंडियन रेलवे की चाय। आय हाय आय हाय। हेलो, हमेशा से वही पुराना डायलॉग, आय हाय आय हाय। ये एक ना पाकिस्तानी यूट्यूबर है, उससे उठाया था मैंने, जैन अलाउद्दीन, उसके ब्लॉग्स में हाय हाय नहीं है ये, आय हाय आय हाय। और मैं बोल रही हूँ ना हाय हाय हाय। हाँ मॉम स्लीपिंग, इनको मैं चाय लाया था इनके लिए भी, बट सोने दो, आराम करने दो, सोएंगे आराम करेंगे तो अच्छा ही है। पहुँच गए दिल्ली, चाचा ही लेने आए हैं। बहुत
हाँ अनमोल छोटा भाई है मेरा, चाचा के बेटा, एंड मम्मा पूनम और सेजा। मैं ना निकल नहीं सकता, इतना ट्रैफिक है ना, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। ओए होए होए, ये पहुंच गए जी बुआ जी के घर। ये वाला घर है, दिस वन बहुत ही अच्छा धौलपुरी पत्थर लगा के बना है। चलो बस छोड़ दो, कोई नहीं ले जाए। पहुंच गए हम घर पे। हाँ जी कैसा, बीमार थके हुए, गाड़ी का नंबर पे नजर डालो जरा। तू पहले ही बोल रही है मैं कर तो लें दे। चाचा के घर आ गए हम लोग, बुआ जी के घर से। बुआ जी के घर पे ज्यादा शूटिंग नहीं हो पाई क्योंकि हम लोग सो गए थे वहां पे आके, तो कर लेंगे वहां पे भी शूटिंग, बाद में करेंगे। तो अभी चाचा जी के घर आया हूँ मैं, और आपको मिलाता हूँ मेरी बहन से, छोटी बहन मेरी। ये मेकअप आर्टिस्ट है, दिल्ली के अंदर कोई भी अगर मेकअप का काम करवाना हो तो मैं इसका इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे फ्लैश कर दूंगा, ठीक है? पहले मिलवाता हूँ इससे। हेलो, कैसी है? बढ़िया। तू मेकअप आर्टिस्ट है? हाँ, तो तू छोटी सी। इसको मैं छेड़ता रहता हूँ। इसके लिए हमने सीलिंग की हाइट्स ना 9 फुट पे करवा रखी है ताकि ये लंबी लगे। अच्छा मैं तेरी ना इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे फ्लैश कर रहा हूँ, तो जितने लोग भी देखेंगे दिल्ली से या कहीं से भी, तो वो लोग तेरे से कांटेक्ट कर लेंगे, डीएम कर लेंगे तेरे को, ठीक है ना? मोटू हमारा भाई अनमोल। और अनमोल कैसे है? बढ़िया। छोटे छोटे सबके डाल देंगे, ठीक है, व्लॉग के अंदर। कुछ बोल तो सही, अबे कुछ तो बोल ले। ये जी हमारी चाची जी। हेलो चाची। हेलो गाइस। क्या बात है, तीनों चाची चंगी है, चाची। मम्मा और चाचू। हाँ जी अच्छा जी, क्या हटो? हाँ जी सत इधर कैमरे वाल, सत श्रीकाल सारे। घर इनका नया ही बना है अभी, देखो। चले क्या जिया? और साहिल रह गया अपना, साहिल चले बंगला साहिब, चले चलो। मुझे जिया बुआ से एक चीज याद आ गई, जब मैं छोटी थी ना, जब हम एक बार यहाँ पे आए थे, जब मैं हम यहाँ पे आते थे, जिया बुआ ने मुझे पकड़ना, मुझे गोल गोल घुमाना, आप भी चक्कर खाना, मुझे भी चक्कर। ओहो बहुत बड़ा इंसिडेंट बता दिया जिया इसने तो। मैं भी छोटी थी और ये भी छोटी, ये भी छोटी थी, घुमाते घुमाते मैं भी घूम जाती थी। टाइम है 7 बजे का, चलो अब चलते हैं बंगला साहिब, वहाँ पे मत्था टेक के आएंगे, बाकी काम कल निपटा लेंगे। सुबह सुबह घूमने जाना और भी कहीं, सेजल को और रैनम को, यहाँ पे एडवेंचर आइलैंड है रोहिणी के अंदर, वहाँ पे भी लेके जाएंगे। तो कल का दिन बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है, तो आज मत्था टेक के आ जाते हैं। चलो बंगला साहिब घूमते पहले, चलो बच्चा बाल्टी। रैनम चलो बेटा। द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन पे है, रामाकृष्णा आश्रम मार्ग की 40 रुपए की टोकन लिया है। पहले टोकन आते थे प्लास्टिक के, हम लोग कई बार निकाल लेते थे वो, बट अब ये QR कोड वाले आ गए हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम मेट्रो पे। हेलो बोलो। हेलो, रामाकृष्णा आश्रम मार्ग से हमने किया ऑटो ई रिक्शा, देख लो भाई दिल्ली का रास्ता, ये बंगला साहिब सीधा छोड़ देगा। द्वारका मोड़ से रामाकृष्ण आश्रम मार्ग गए और उसके बाद ये ऑटो से जा रहे हैं हम लोग, 10-10 रुपए सवारी। CP वाला रोड है ये, CP वाला तो है ही, CP है ही, CP बहुत अच्छी चीजें, लाइक मजा आ रहा है भाई सीरियसली। सही रेट पे बंगला साहिब के दर्शन करके उसके बाद ब्लॉग का कर देंगे एंड। आगे बढ़े हैं, कल एयरपोर्ट का ब्लॉग आएगा, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। एयरपोर्ट का ब्लॉग आएगा, उसमें सब बताऊंगा कि व्हील चेयर का क्या हुआ और मम्मी को कैसे भेजा हमने फ्लाइट पे। और अभी के लिए तो बंगला साहिब हम लोग जा रहे हैं, कल अगर कहीं घूमने जाएंगे तो वो सारा ब्लॉग मैं दिखाऊंगा। गुरुद्वारा बंगला साहिब आ चुके हैं जी, और सामने यहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स। एंट्री देखो कितनी अच्छी बनी है। और साहिल मजे में हैं? सत श्रीकाल। ये दिल्ली की आइटम है मेरे को।
मेरे को कुछ मत बोलना भाई। चलो अंदर तो वो वीडियो शूट ही नहीं करने देंगे, तो इसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ फोटोज ले सकते हैं, तो फोटोज मैं डाल दूंगा बंगला साहिब के। इंजॉय किया सारा दिन, सोए जी भर के, काम से थोड़ी सी राहत मिली और हम लोग हैं दिल्ली के अंदर। मैं दिल्ली की कहानी कल सुनाऊंगा आप लोगों को, कल के ब्लॉग में मेरी क्या दिल्ली की कहानी क्या है। जलंधर की लास्ट वाले ब्लॉग में बताया था मैंने, दिल्ली की कहानी सुनाएंगे आपको। जलंधर आज से 10-12 साल पहले मैं दिल्ली में ही था और लाइफ के 14 साल कम से कम मैंने यहाँ पे गुजारे हैं। चलो जोड़ा घर में जोड़े जमा करवाते हैं और आगे चलते हैं, पिक्चर्स डाल दूंगा। टाइम है 9:20 का, रामाकृष्णा आश्रम मार्ग के मेट्रो स्टेशन पे दोबारा आ गए बंगला साहिब से घूम के। फोटोज आपने देख ही ली है और थका पड़ा हूँ मैं, सीढ़ियाँ चढ़ के आया हूँ। यहाँ से अब हम लोग मेट्रो पकड़ेंगे द्वारका मोड़ की और दोबारा चलेंगे चाचू के घर, वहाँ से फिर बुआ के घर जाना है। और कल सारा दिन मतलब जो भी होगा कल का सारा दिन मैं आपको दिखाता हूँ। अभी के लिए ब्लॉग का एंड करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को बढ़ाने में मदद करो। 164 सब्सक्राइबर हो गए हैं, मेरे को 2-4 मिलियन तक पहुंचना है किसी भी तरीके से। आज का मैंने ये सिट्टा निकाला कि फैमिली के साथ व्लॉग नहीं हो सकता कभी भी, अब अकेले ही जाया करेंगे। इनको जब इनकी एक अलग ट्रिप निकालनी होगी तो निकाल लिया करेंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट और मिलते हैं कल के व्लॉग में।